जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मुझे एक सज्जन पुरुष ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि इंसान हार हो या जीत वो पचा क्यों नहीं सकता है। मैं आपके लिए इसका एक बहुत ही सुंदर उत्तर लेके आया हूँ। मेरे चैनल कृष्ण ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मनुष्य का अभिमान उसे हार या जीत में एक समान नहीं रखता है। इस अभिमान की वजह से वह अपने जीवन में पिछड़ता चला जाता है। वह एक समान रहने की कोशिश चाहकर भी नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के अंदर अभिमान होता है वह सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में एक समान नहीं रह सकता। उसका अभिमान उसे उसकी सोच को अंधा कर देता है। जो मनुष्य अभिमानी होता है वह खुद का ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वालों का भी सर्वनाश कर देता है, जिसका उदाहरण आपने महाभारत रामायण में देखा ही होगा। आज दुर्योधन कितना अभिमानी था और जिस जिसने दुर्योधन का साथ दिया उन सबका ही अंत हो गया। यही आप रावण के अंदर भी देख सकते हो। रावण के अभिमान ने उसका ही नहीं उसके पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। उसको केवल लगता है कि सब उसके हैं, सब उसका है, लेकिन यही उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हम में किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए। हमको एक पत्ते की तरह बनना है। आज पत्ते को आप इतनी भी ऊंचे से फेंकोगे पर टूटेगा नहीं, बस उसी तरह हमको बनना है। हमारे व्यक्तित्व को उस पत्ते की तरह बनाना है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अधर्म होता है, और जिस व्यक्ति में अभिमान नहीं होता है वह उस परम पिता परमेश्वर के बहुत ही नज़दीक होता है, और जहाँ अधर्म होता है वहाँ भगवान नहीं होते। जो मनुष्य अभिमानी होता है वह तो कभी स्थिर रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव ही विचलित रहता है। उसके मस्तिष्क में सदैव ही विचारों की धारा बहती रहती है। और जिस व्यक्ति में अभिमान नहीं होता है वह व्यक्ति शीतल जल की तरह स्थिर ही रहता है। आज भगवान श्री कृष्ण के जितने भी जन्म हुए, जब भी उन्होंने अवतार लिया, सारे अवतार उन अभिमानियों का नाश करने के लिए हुए, उनका अभिमान तोड़ने के लिए हुए। यह बात तो आप भी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जिस जिस से युद्ध हुए वह सभी कितने अभिमानी थे। अभिमानी होते होते मनुष्य कब अधर्मी हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप ध्यान कीजिए, योग कीजिए। आप किसी भी स्थिति में हो आप कभी अभिमान मत कीजिए। जिस व्यक्ति को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से कोई फर्क न पड़ता हो वह श्रेष्ठ मनुष्य ही परमपिता परमेश्वर के बहुत करीब होता है। वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय होता है। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।